वेलकम बैक बच्चों, और आपका स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। और आज जिस चैप्टर को हम करने वाले हैं, ये एन एलियन हैंड, यानी क्लास सेवन का जो सप्लीमेंट्री बुक है उसका छठा चैप्टर है, उसका नाम है आई वांट समथिंग इन ए केज, यानी कि मुझे केज में कुछ चाहिए। तो अब सीधे चलते हैं एक्सप्लेनेशन की ओर, लेकिन उससे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर देख लेते हैं। माई पर्स मिस्टर पर्सल ओन्स अ पेट शॉप, एक मिस्टर पर्सल का पेट का दुकान है। There is a constant noise of screeching and twittering in the shops, but Parcel is happily unaware of it. मतलब पार्सल के दुकान में जो बर्ड्स के चहकने की, एनिमल की आवाज़ होती है, लेकिन मिस्टर पार्सल खुश रहते हैं और इन सब आवाज़ उनको सुनाई नहीं देता। One cold morning, a strange customer calls. एक ठंडे मॉर्निंग के, सुबह के दिन, एक अजीब सा कस्टमर का, मतलब अजीब सा कस्टमर आता है ठंडे के मॉर्निंग। अच्छा बच्चों, इस लाइन को अच्छी तरीके से समझ लो। देर इज़ अ कॉन्स्टेंट नॉइज ऑफ स्क्रीचिंग एंड ट्विटरिंग इन द शॉप, बट मिस्टर पार्सल इज हैवीली अनअवेयर ऑफ इट। दुकान में बहुत नॉइज होता है, ठीक है, स्क्रीचिंग और ट्विटरिंग, बर्ड का साउंड और स्क्रीचिंग, मतलब एनिमल डिफरेंट टाइप का साउंड करते हैं, उसमें चूहा है, बंदर है, सब है, ये मिलाकर ये आवाज़ होते हैं, लेकिन मिस्टर पार्सल को इसमें हैप्पीली, ये आवाज़ होता है लेकिन हैप्पीली अनअवेयर रहते हैं, मतलब खुशी खुशी इस आवाज़ को उसको सुनाई नहीं देता। अब हम आपको बताते हैं कि क्या होता है। घड़ी में एक आवाज़ होता है, टिक 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 टिक, घड़ी में आवाज़ होता है, लेकिन वो उस आवाज़ को हम कब सुन पाते हैं, जब हम घड़ी के आवाज़ को बहुत ध्यान देते हैं, है ना, तभी हम सुन पाते हैं। तो मिस्टर पार्सल एक्चुअली अभ्यस्त हो चुके हैं आवाज़ से, तो इस आवाज़ से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बाहर से अगर कोई पेट शॉप पे घुसे तो उनको बहुत आवाज़ सुनाई देंगे, उनको इतना दिक्कत होगा कि वो पूछ लेंगे दुकानदार कि आप रहते कैसे। लेकिन इतने ही आवाज़ सुनते सुनते उनका प्रैक्टिस हो गया। अब सवाल ये है कि ये आवाज़ करते क्यों है एनिमल, क्योंकि एनिमल को पिंजरे में आप रखे हो, वो वहाँ से आज़ाद होना चाहते हैं, ये एक जेल की तरह है, ठीक है, जिससे वो आज़ाद होना चाहते हैं, कैदी की तरह उसे रखा गया है, तो इसीलिए वो आवाज़ इसीलिए करते हैं कि उसे आज़ादी चाहिए, ठीक है। मिस्टर पार्सल तो इनकी आवाज़ को एडजस्ट हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी मिस्टर पार्सल भी इनके बारे में सोचे नहीं है कि ये जो मैं कर रहा हूँ बिज़नेस, ये जो एनिमल का बिज़नेस है, क्या एक्चुअली एनिमल को कैद में रखना चाहिए, ये मैं जो बेच रहा हूँ क्या वो लोग भी सही है, या ये काम करना क्या सही है। अब हम चलते हैं सीधे एक्सप्लेनेशन की ओर। मिस्टर पार्सल डिड नॉट बिलीव इन घोस्ट, मिस्टर पार्सल भूतों में विश्वास नहीं करते थे। नेवर द लेस, लेकिन उसके बावजूद भी, द मैन हु बॉट द टू डब्स, लेकिन जो इंसान जिसने दो डब खरीदा था, एंड स्ट्रेंज एक्ट इमीडिएटली देयर आफ्टर, उसके बाद उसने जो किया, लेफ्ट हिम विद डिस्टिंक्ट सेंस ऑफ अनकैनी, उसके बाद उनको एक अजीब सा फीलिंग होने लगता है, एज दो बिहाइंड हिज डिपार्टेड कस्टमर, और उसके जो कस्टमर आया था यहाँ पर, जो खरीद के गया, जब गया, देयर हैड लिंगर्ड द मस्टी स्मेल ऑफ एन अबैंडन्ड हॉन्टेड हाउस, उसके पीछे से जैसा कोई एक अबैंडन्ड, मतलब जहाँ पर कोई नहीं जाता, जो अलग थलग पड़ा हुआ है, अबैंडन्ड, जिस घर को सब छोड़ के जा चुके हैं, और हॉन्टेड, भूतिया घर से आया है ये कस्टमर, ऐसा लग रहा था। मिस्टर पार्सल वॉज अ स्मॉल फसी मैन, रेड चीक्स एंड टाइट मेलन स्टोमर, मिस्टर पाल एक शॉर्ट हाइटेड और मोटा इंसान था, ठीक है, आसान सर सर समझ भाषा में मैं समझाता हूँ। लार्ज ग्लासेस मैग्नीफाइड हिज आईज सो एज टू गिव हिम हिज अपीयरेंस ऑफ ए वाइज एंड जेनियल आउल, ऐसा चश्मा पहन के लगता था, जो सब चश्मा पहन के जो स्टूडेंट होते हैं ना, वो पढ़ाई बहुत करते हैं, इसीलिए पढ़ाई करके उनका आँख खराब हो जाता है, और वाइज ज्ञानी आउल की तरह, आउल को हम वाइज आउल बोलते हैं, आउल जो बर्ड है हम उसको वाइज बोलते हैं, ठीक है, ज्ञानी बोलते हैं, तो आउल की तरह दिखते थे एकदम, मतलब उल्लू की तरह दिखते थे चश्मा पहन के। तो ही ओन्ड अ पेट शॉप, उनका एक पेट का दुकान था, पेट शॉप, पेट मतलब जिस पालतू माना, तो पालतू शॉप मतलब पालतू जानवर या बर्ड जहाँ पर मिलते हैं वो पेट शॉप होता है। ही सोल्ड कैट्स मंकीज डॉग्स एंड डेल्ट इन फिश फूड एंड बर्ड सीड, वो बिल्ली कुत्ते बंदर ये सब बेचते थे। ही डेल्ट इन फिश फूड, फिश के लिए खाना भी बेचते थे, बर्ड के लिए बीच बर्ड जो खाएंगे वो बीच वो भी खाना वो बेचते थे। प्रेस्क्राइब रेमेडीज फॉर एलिंग कैनरीज, जो जो मतलब बीमार हुए हैं एनिमल्स उनके लिए भी उनके पास दवाई रहता था, रेमेडी रहता था। डिस्प्लेड ऑन द स्लीप्स और लॉन्ग रोज ऑफ ऑर्नेट एंड गिल्डेड केजेस, और मतलब जो पिंजरे हैं, पिंजरे भी कोई कोई पिंजरा भी लेना चाहता था, तो पिंजरे के लिए भी वहाँ पर जगह था कि पिंजरे भी ले सकता है। तो ये मतलब पेट शॉप में जो जो चीज़ रहता है, ही कॉन्सिडर्ड हिमसेल्फ समथिंग ऑफ ए प्रोफेशनल मैन, और वो अपने काम पे अपने आप को प्रोफेशनल मानते थे, मतलब मैं इस काम में माहिर हूँ, एक अच्छा दुकानदार हूँ, अच्छा पेट शॉप चलाता हूँ, ये वो मानते थे। कॉन्स्टेंट एयर, कॉन्स्टेंट स्टिर ऑफ मोमेंट पर वेरेडी शॉप, हर वक्त
मतलब क्या है कि एक हलचल सी मची रहती थी उनके दुकान में, विस्पर ट्विटर्स, स्लाई रसलिंग, स्क्वेल्स, चिप्स, सडन स्क्वेक्स, मतलब ये सब आवाज है जो एनिमल करते थे, सारे ही आवाज़ें एनिमल के, ये सारे आवाज़ें उनके पास आते थे। स्मॉल फीट स्कैम्पर्ड इन फ्रेंटिक सर्कल्स, मतलब छोटे छोटे पैर ऐसे गोल गोल घूम रहे हैं, ये कौन, ये बर्ड होते हैं जनरली, ये चूहे होते हैं जो गोल गोल घूमते रहते हैं। फ्राइटेंड बिविल्डर, जो डरा हुआ चौक चौक जाता है। ब्लाइंडली सीकिंग अक्रॉस द स्लेब्स पल्स दिस एंडलेस फ्लिकर ऑफ लाइफ, बट द कस्टमर हु केम इन, लेकिन जो कस्टमर वो आता था, आर दे क्यूट, ये क्यूट नहीं है, लुक एट द लिटिल केज, छोटे से केज पे देखो, दे स्वीट, कितने अच्छे हैं वो लोग। एंड मिस्टर पर्सल हिमसेल्फ वुड स्माइल एंड ब्रिस्कली रब हिज हैंड्स एम्फेटिकली शेक हिज हेड, और अपने हाथ को रब करते थे और अपने हेड को हिलाते थे, मतलब अपने आप को, मतलब एनिमल्स वो अच्छे अच्छे तरीके से एनिमल रखते थे, और एनिमल, लेकिन एनिमल केज में किस तरीके से घूम रहे हैं, तड़प रहे हैं, उनको अपने आज़ादी चाहिए, आज़ादी के लिए तड़प रहे, ये सुनाई तो उनको देता था, उसको मैटर नहीं करते थे। उसके वजह वो अपने आप को समझते थे कि वो बहुत प्रोफेशनल है। ईच मॉर्निंग व्हेन द रूटीन ऑफ ओपनिंग हिज शॉप वॉज कम्प्लीटेड, जब हर सुबह जब उनकी दुकान खोलने का जो रूटीन जब कंप्लीट हो जाता था, इट वॉज द प्रोप्राइटर्स कस्टम टू पार्च ऑन हाई स्टूल बिहाइंड द काउंटर एंड अनफोल्ड मॉर्निंग पेपर, इसके बाद वो क्या करते थे, दुकान खुलने के बाद सुबह का न्यूज़पेपर पढ़ते थे एंड डाइजेस्ट द डेज न्यूज़, और हर दिन का जो खबर है उसको डाइजेस्ट करते थे, मतलब हजम करते थे, बहुत ध्यान लगा के पढ़ना। एज ई रीड ही वुड स्मार्ट फ्रॉन रिफ्लेक्टिवली पार्ट हिज लिप, नोइंग हिज लिप हिज आईब्रोज नॉट इन ग्रेव एग्रीमेंट, डिफरेंट डिफरेंट खबर पढ़ने के बाद आपके फेस के डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शन आते हैं। अगर आप खेल की खबर पढ़ते हो जिसमें भारत जीता है कि नहीं जीता है, तो उसके में आपके इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा रहता है। जिस खबर में बहुत कुछ भयंकर क्राइम हुआ होता है, उसमें आपके जो आईब्रोज है वो थोड़ा सा कर्ल हो जाते हैं, आप चिंता में हो जाते हो। कुछ खबर पढ़ के तो आप हंसते हो, कुछ खबर सहम के आप एकदम चुपचाप सहमे रहते हो, सैड हो जाते हो। तो ये डिफरेंट टाइप की खबर पढ़ने के समय डिफरेंट रिएक्शन, उस रिएक्शन के बारे में यहाँ पर बताया गया है। ई रीड एवरीथिंग एंड एडवाइस टू द लव लोन एंड डिटेल्ड कॉलम्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट, इवन सब कुछ डिटेल में पढ़ते थे, इवन एडवर्टाइजमेंट भी आते थे जो न्यूज़पेपर में, उसको भी डिटेल में पढ़ते थे। इट वॉज अ रफ डे, ए रफ डे, द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू अगेंस्ट द हाई प्लेट ग्लास विंडोज, स्मोक फिल्म्ड द विंट्री सिटी। तो मतलब ये एक रफ डे था और हवा बह रही थी प्लेट ग्लास विंडो से, धुआं विंट्री सिटी पे धुआं पूरी तरीके से भर चुका था, और द एयर वॉज ग्रे विथ थिक फ्रॉस्ट, और जो हवा था वो ग्रे हो चुका था, धुंधला हो चुका था, बर्फ गिर रहा था। हैविंग कम्प्लीटेड हिज यूजुअल टास्क, मिस्टर पार्सल अगेन माउंटेड ऑन द हाई स्टूल एंड अनफोल्डेड मॉर्निंग पेपर, और उसके बाद अपने जो काम होते हैं दुकान में आके आके सब कुछ देखना, अपने एनिमल कैसे हैं उसको देखना, ये सब कुछ कंप्लीट करके वो बैठ के न्यूज़पेपर ही पढ़ रहे थे, एडजस्टेड ग्लास चश्मा को एडजस्ट कर रहे थे एंड ग्लांस द हेडलाइन को देख रहे थे। हेडलाइन मतलब न्यूज़पेपर में बड़े बड़े अक्षरों में जो खबर आते हैं। चिरपिंग एंड स्क्वीकिंग एंड म्यूइंग वाइब्रेटेड ऑल अराउंड, चारों उनके आवाज़ होते हैं, लेकिन वो ध्यान से न्यूज़पेपर पढ़ते थे क्योंकि इन सब से वो एडजस्ट हो चुके थे। येट मिस्टर पार्सल हार्ड इट नो मोर देन ही वुड हैव हार्ड द मोनोटोनस टिकिंग ऑफ अ फैमिलियर क्लॉक। तो जैसे क्लॉक के घड़ी की आवाज़ हमें सुनाई नहीं देती जब तक ना हम ध्यान लगाते हैं, ऐसा ही एडजस्टमेंट हो गया था, बल्कि शोर शराबा बहुत ज़्यादा था लेकिन वो एडजस्ट हो गया था। देर वॉज अ बेल ओवर द डोर, दरवाजे पर बेल थी, द जिंगल्ड व्हेन एवर कस्टमर एंटर, वो बजता था जब कस्टमर घुसते थे। तो दिस मॉर्निंग हाउएवर फॉर द फर्स्ट टाइम मिस्टर पार्सल कुड रिकॉल इट फेल्ड टू रिंग, लेकिन आज अचानक क्या हो गया, मिस्टर पार्सल ने देखा वो नहीं बजा। सिंपली ही ग्लैंस्ड अप और वो देखा देर वॉज अ स्ट्रेंजर, एक अजीब इंसान था जो कभी उसके दुकान में नहीं आया था, नया कस्टमर था ये, स्टैंडिंग जस्ट इन साइड द डोर एंड इफ ही हैड मटेरियलाइज्ड आउट ऑफ थिन एयर, और वो अंदर में खड़ा था और जैसे पतले से हवा से वो बाहर निकल के आया था। द स्टोर कीपर स्लिड ऑफ हिज टूल, स्टोर कीपर है वो अपने स्लिड ऑफ टूल को हटा के, फ्रॉम द फर्स्ट इंस्टेंट ही न्यू इंस्टिंक्टिवली अनरीजनेबली दैट द मैन हेटेड हिम, बट आउट ऑफ हैबिट हिज हैंड्स ब्रिस्कली टुगेदर स्माइल्ड एंड नॉडेड, गुड मॉर्निंग ही बीम्ड, व्हाट कैन आई डू फॉर यू। और देख कैसा लगा कि जो कस्टमर आया है वो बिल्कुल मिस्टर पार्सल, मतलब दुकानदार को देख के उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया,
लेकिन फिर भी मिस्टर पार्सल एक प्रोफेशनल दुकानदार की तरह उसको बोलते हैं कि गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। द मैन्स शाइनी शूज स्क्वैक्ड फॉरवर्ड, उसके जो चमकीला जो शूज होते हैं उसकी वो स्क्विक कर रही है। इस सूट वॉज चीप, सूट बहुत चीप है, इल फिटिंग, फिट नहीं हो रहा है बट न्यू है। ही हैड शटलिंग ग्लांस एंड क्लोज क्रॉप्ड हेयर, तो वो देखता है उसके पास चूल बहुत जो जो बाल होता है वो मतलब वो बहुत ही छोटे छोटे करके काटा रहता है। इग्नोरिंग पार्सल फॉर द मोमेंट ही रोल्ड हिज गेज अराउंड द शैडो, सो वो अपना आँख घुमाता है, कस्टमर जो होता है वो आँख घुमाता है दुकान पे। अ नैस्टी मॉर्निंग, आज का सुबह बहुत ख़राब है, वॉलंटियर द शॉपकीपर, तो वो ऐसे ही वेदर को नॉर्मल करने के लिए मिस्टर पार्सल ही बात की पहल करते हैं। मिस्टर पार्सल बोलते हैं कि आज का सुबह बहुत ख़राब है, बोलिए। ही क्लैश्ड बोथ हैंड्स अक्रॉस हिज मेलन लाइक स्टोमैक, मतलब अपना जो पेट है, जो टमी है, वो पेट जो बाहर निकल गया है उसमें हाथ ऐसे लगाते हैं मिस्टर पार्सल और बोलते हैं, एंड स्माइलिंग अपॉन लाइक, सी बाई द पेपर वी आर इन फॉर ए कोल्ड स्पेल नाउ, व्हाट वाज यू वांटेड, हम न्यूज़पेपर में है कि आज बहुत ठंड पड़ने वाली है, तो बोलिए आपको क्या चाहिए। द मैन स्टेयर्ड क्लोजली एट मिस्टर पार्सल, मिस्टर पार्सल को बहुत क्लोजली देखते हैं, एज यू जस्ट नॉट अवेयर ऑफ हिज प्रेजेंस, ही सेड आई वांट समथिंग इन ए केज, मुझे पिंजरे में कुछ चाहिए। समथिंग इन ए केज, मिस्टर पार्सल वॉज बिट कन्फ्यूज, समथिंग इन ए केज, थोड़ा सा कन्फ्यूज हो जाते हैं मिस्टर पार्सल, यू मीन सम सॉर्ट ऑफ पेट, मतलब आपको कुछ पेट चाहिए, पालतू कुछ चाहिए, आई मीन व्हाट आई सेड, मैंने जो मैंने बोला वही मैं मीन कर रहा हूँ, समथिंग इन ए केज, समथिंग दैट इज स्मॉल, मुझे पिंजरे में कुछ चाहिए, पिंजरे में छोटा कुछ। आई सी, हैसेंड द स्टोर कीपर, नॉट एट ऑल सर्टेन दैट इट, हिज आईज नैरोड ग्रेवली एंड ही पास्ड हिज लिप्स, लेट मी थिंक, ए वाइट रैट परहैप्स, आई हैव सम वेरी नाइस वाइट रैट्स, आपको सफ़ेद चूहे चाहिए क्या, मेरे पास अच्छे अच्छे सफ़ेद चूहे हैं। सफ़ेद चूहे जो होते हैं कोई कोई पालता है, सफ़ेद चूहे में दिखने में बहुत क्यूट होते हैं ये चूहे, आईज होते हैं रेड, ठीक है, तो मैंने एक बार देखा था इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, और इसे बहुत पालते भी हैं। नो सेड द मैन, नो नॉट रैट, समथिंग विथ विंग्स, नहीं रैट नहीं, ऐसा कुछ जिसके पंख हो, समथिंग दैट फ्लाइज, जो उड़ सके। अ बर्ड, एक्सक्लेम मिस्टर पार्सल, ओ अच्छा एक बर्ड, पार्सल बोलते हैं, अ बर्ड्स ऑल राइट, हाँ बर्ड बर्ड चलेगा। द कस्टमर पॉइंटेड सडनली टू अ सस्पेंडेड किट विच कंटेन्ड टू स्नोई बर्ड्स डब्स, हाउ मच फॉर दिस, ये तब उसके बाद वो एक पिंजरे को दिखाते हैं और वहाँ पर डव बर्ड था, डब पिजन की तरह मतलब कबूतर की तरह ही दिखता है, तो वो बोलते हैं कि ये इसके कितने पड़ेंगे, तो प्रॉम्प्ट आंसर आता है, तुरंत आंसर आता है मिस्टर पार्सल का, 550, अ वेरी रीजनेबल प्राइस, दैट्स आर दे आर अ फाइन पेयर, ये बहुत अच्छे मतलब डब हैं ये, तो इसे 550 इसका कीमत पड़ेगा, 550। द मैन वॉज ऑब्वियसली क्रेस्टफॉलन, ये बहुत सुन के बहुत चिंता में पड़ जाता है वो इंसान, ही हेजिटेडली प्रोड्यूस्ड $5 बिल, $5 का बिल वो दे देता है। आई वुड लाइक टू हैव दिस बर्ड्स बट दिस इज ऑल आई हैव गॉट, जस्ट $5, मुझे ये बर्ड चाहिए लेकिन मेरे पास और पैसे नहीं है, मेरे पास ये $5 ही है। मेंटली मिस्टर पार्सल मेड ए क्विक कैलकुलेशन, अब मिस्टर पार्सल एक कैलकुलेशन कर लेते हैं, विच टोल्ड हिम दैट 50 सेंट रिडक्शन, मतलब $5 $0.50 दाम था, $5 तो दे ही चुके हैं वो कस्टमर, अब 50 सेंट बचे हुए हैं। अब मिस्टर पार्सल ने कैलकुलेट किया कि अगर 50 सेंट ना भी लूँ तो भी थोड़ा सा प्रॉफिट तो हो ही जाएगा, ही स्माइल्ड मैग्नेनिमसली और उसने हंसा। तो मैं एक चीज़ बता दूँ, हमारे यहाँ पर जैसे रुपया और हम पैसा बोलते हैं तो वहाँ पर भी डॉलर, अमेरिका में क्या चलता है और कई देशों में डॉलर चलता है और फिर सेंट, तो $5 $0.50, यहाँ पर आप हमारे यहाँ पे कितना है, $1 का मतलब अभी लगभग ₹80 के आसपास चल रहा है, तो $5 मतलब ₹400 हुए। लेकिन फिर भी यहाँ के बेसिस पे मैं एक कंपैरिजन भी बोल रहा हूँ, मान लो यहाँ पर अगर होता ₹5.50 तो ठीक, वहाँ पर $5.50, तो उस इंसान के पास $5 था और 50 सेंट्स नहीं था, और वही वो बोल रहा है कि $5 में चाहिए। अब मिस्टर पार्सल ने कैलकुलेट किया कि फिर भी मुझे लाभ हो रहा है अगर $5 में भी दे दूँ, तो वो हंसते हैं और बोलते हैं, माई डियर मैन, इफ़ यू वॉन्ट देम, अगर आपको पसंद आ गया है दैट बैडली, यू कैन सर्टनली हैव देम फॉर $5, आप $5 ही दे दीजिए। दुकानदार ऐसा कई करते हैं, जब बार्गेन आप दाम उसको लगाते हो, कीमत बोलते हो, तो ये ऐसा होता है
कि खटाना प्राइस को, आई विल टेक देम, ही लेड इज $5 ऑन द काउंटर, वो $5 रख देते हैं काउंटर में, मिस्टर पार्सल टॉटर्ड ऑन टिपटो, अनहुक द केज एंड हैंडेड इट टू हिज कस्टमर, मिस्टर पार्सल टिप पैर एकदम टिपटोट जाते हैं, केज को अनहुक करते हैं, हैंडेड इट टू द कस्टमर, हाँ अनहुक मतलब हुक में लटका हुआ था केज, उसको अनहुक करते हैं और कस्टमर को दे देते हैं, द मैन कॉक्ड हिज हेड ऑन वन साइड लिसनिंग टू कॉन्स्टेंट चैटरिंग एंड द रशिंग स्कारी ऑफ द शॉप, दैट नॉइज ही ब्लर्टेड, डजंट इट गेट यू, मतलब वो ये बोलता है कि इतना आवाज़ हो रहा है, आप परेशान नहीं हो जाते इस आवाज़ से, कौन बोल रहा है, कस्टमर बोल रहा है, किसको बोल रहा है, मिस्टर पार्सल दुकानदार को, नॉइज व्हाट नॉइज, आवाज़ कौन सा आवाज़, मिस्टर पार्सल लुक सरप्राइज, मिस्टर पार्सल बहुत चौंक जाते हैं, ही कुड हियर नथिंग अनयूजुअल, उसे कुछ मतलब अलग नहीं महसूस होता, यही चीज़ मैं पहले बोल रहा था, ये आवाज़ अगर नया कोई पहली बार जाए वो मतलब इस आवाज़ से वो परेशान हो जाएगा, लेकिन मिस्टर पार्सल एडजस्ट हो चुके हैं, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, द कस्टमर ग्लेयर्ड, कस्टमर बोलते हैं आई मीन ऑल दैट केज स्टफ ड्राइव्स यू क्रेजी, ये जो पिंजरे में जो बंद है, ये जो आवाज़ करते हैं, ये आपको पागल नहीं कर देता, मिस्टर पार्सल ड्रू बैक, आइदर द मैन वॉज इनसेन और द और ही वॉज ड्रंक, मिस्टर पार्सल अब पीछे हट जाते हैं, वो बोलते हैं ये शायद कोई पागल होगा या ड्रिंक्स किया होगा, ही सेड हैस्टिली यस यस सर्टेनली आई गेस सो, हाँ हाँ थोड़ा बहुत तो होता ही है, लिसन द स्टेयरिंग आइस केम, हाउ लॉन्ग वुड यू थिंक इट टूक मी टू मेक $5, एक चीज़ मुझे बताइए आपको क्या लगता है ये $5 कमाने में मुझे कितने दिन लगे होंगे, द मर्चेंट वॉन्टेड टू ऑर्डर हिम आउट ऑफ द शॉप बट ओनली एनाफ ही कुडंट, ही हर्ड हिमसेल्फ ड्यूटीफुली आस्किंग व्हाई व्हाई हाउ लॉन्ग डिड इट टेक यू, मतलब अब क्या कि दुकानदार मतलब कस्टमर को बेच चुका है, अब तो फालतू बात करने का कोई मतलब ही नहीं है, तो वो दुकान से मतलब अगर ऐसा होता तो दुकान से जाने के लिए बोलता, लेकिन कस्टमर है तो खरीदार है, तो खरीदार को तो इस तरीके से भगा नहीं सकते हो, तो बोलते हैं हाँ कितना लगा है $5 कमाने में, तब वो इंसान दुकानदार बोलता है दादा ला 10 years 10 साल लगे हैं मुझे $5 कमाने में, 10 years टू अर्न $5.50 a year, एक ईयर में 50 सेंट कमाया और 10 साल में मैंने सिर्फ $5 ही कमाए, इट वॉज बेस्ट पार्सल डिसाइडेड टू ह्यूमर हिम, माई 10 years 10 साल दैट सडनली लॉन्ग टाइम, तो बहुत समय है 10 साल में $5 मतलब कितना, आप सोचो 10 साल में $5 मतलब है, $5 का मतलब कितना समझ लो 400 रुपये, तो 10 साल में 400 रुपये कमाए हैं, तब एक साल में 40 रुपये कमाए हैं, ये जो इंसान है दे गिव यू $5, लाफ द मैन एंड अ चीप सूट टेल यू नॉट टू गेट कॉट अगेन, अब क्या होता है कि जो इंसान होता है, जो कस्टमर आया होता है, ये कैदी होता है और जेल से वो छूट के आता है, तो जेल में इतना जेल में काम करा के पैसे दिए जाते हैं, अब सोचो काम करा के पैसे भी कितने दिए, सिर्फ $5, ये इंसान जब जेल से निकलेगा इससे करेगा क्या, कुछ होगा ना, खा पाएगा ना, कोई काम ढूंढ पाएगा ना, क्या करेगा, कोई दुकान ले पाएगा ताकि वो सच्चा ज़िंदगी बिता सके, तो ये तो और इसको फिर से क्राइम करना पड़ेगा, तो जेल में जहाँ पर सुधार होनी चाहिए थी, तो फिर से किसी इंसान को क्रिमिनल ही बना दे रहा है, तो वो बोल रहे हैं कस्टमर कि तुम्हें वो लोग $5 देते हैं और बोलते हैं कि फिर से पुलिस के हाथों में मत आना, पुलिस को ना पकड़ना पड़े तुमको, मिस्टर पार्सल मोफ्ट इज स्वेटिंग ब्रो, अब पसीने आ जाते हैं मिस्टर पार्सल का, तो पूछते हैं पसीने को, नाउ अबाउट द केयर फीडिंग योर डब्स आई वुड एडवाइस, अब आप डब को क्या क्या, तो जेल का कैदी है छूट से आया है, तो ये तो सुन के थोड़ा सा अनयूजुअल लगेगा, अस्वस्थ महसूस होगा, तो उसको ठीक करने के लिए मिस्टर पार्सल बोलने चाहते हैं कि आप आपको क्या क्या खाना खिलाएंगे डब को, ये बोलने ही जा रहे हैं, तब वाह द मैन स्वंग अराउंड स्टॉक्ड अब्रप्टली फ्रॉम द स्टोर, और अचानक वो बाहर निकल जाते हैं दुकान से, पार्सल साइड विद सडन रिलीफ, और पार्सल लंबी सांस लेते हैं, चलो इससे छुटकारा तो मिला, ही वेडेड थ्रू द विंडो एंड स्टेयर्ड, वो खिड़की से बाहर देखते हैं, जस्ट आउटसाइड इस पिक्यूलियर कस्टमर हैड हॉल्टेड,
अचानक बाहर उसके जो अजीब कस्टमर वो रुके हैं, ही वॉज होल्डिंग द केज टू द शोल्डर हाई, हमने कंधों के बराबर वो पिंजरे को पकड़ के रखे हैं, स्टेयरिंग एट हिज परचेस, देन ओपनिंग द केज, उसके बाद वो पिंजरे को खोल देते हैं, रीच्ड इन साइड और वो हाथ को अंदर घुसाते हैं, ड्रीव आउट द डब्स और डब्स को बाहर निकालते हैं, टॉस्ड इट इन द एयर और हवा में उड़ा देते हैं, ही ड्रीव द सेकेंड और दूसरे के साथ भी वही करते हैं, द रोज लाइक ए विंड ब्लोन बॉल्स ऑफ फ्लफ एंड वे लॉस्ट इन द स्काई ऑफ द ग्रे ऑफ विंटर सिटी, और वो उड़ जाते हैं फ्लफ की तरह, और इस विंटर सिटी के इस धुएँ में, इस डस्ट में, इस स्मोक में कहीं खो जाते हैं, फॉर एन इंस्टेंट लिबरेटर साइलेंट एंड लिफ्टेड गेज वॉच्ड आफ्टर देम, देन ही ड्रॉप द केज, उसके बाद लिबरेटर मतलब जो आज़ादी देता है, कौन आज़ादी दिया, वो जेल, वो कैदी, वो प्रिजनर, वो आज़ादी देने के बाद थोड़ा समय तक उनको वो देखता है, उसके बाद वो पिंजरे को फेंक देता है, ही शोव्ड बोथ हैंड्स डीप इन हिज ट्राउजर पॉकेट्स, और उसके ट्राउजर पॉकेट पे वो हाथ रखता है एंड हंच डाउन हिज हेड एंड शफल्ड अवे, और फिर वो चला जाता है, द मर्चेंट्स ब्रो वॉज पकर्ड विद परप्लेक्सिटी, सो डेस्परेटली हैड द मैन डिजायर द डव्स दैट ही हैड लेट देम हैव ए रिड्यूस्ड प्राइस एंड इमीडिएटली ही हैड टर्न देम लूज, नाउ व्हाई मिस्टर पार्सल, मतलब कि ये इंसान इस खरीदा मतलब नापतोल करके खरीदा और नापतोल करके खरीदने के बाद इसको भी छोड़ भी दिया, हवा में उड़ा भी दिया, क्यों मिस्टर पार्सल मटर डिड ही डू दैट, क्यों उसने ऐसा किया, और उसे बहुत अपमानित महसूस हुआ, क्योंकि अगर मान लो मैंने कुछ चीज़ें बेचा किसी कस्टमर को, मिठाई, और मिठाई उसने खरीदा और फेंक दिया बाहर, मुझे कैसे लगेगा, तो ठीक ऐसा ही फीलिंग उसको होता, लेकिन एक चीज़ बताओ, ये कैदी अपने जो मतलब जो बंदी दशा थी, बंदी था, उसके जो दर्द उसको महसूस हुआ था, उस दर्द को वो बाहर निकालने के लिए $5 में तो कुछ हो नहीं सकता, तो कोई अच्छा काम करे, अच्छा काम $5 में और क्या होगा, उसने सोचा कि मैं आज़ाद हुआ हूँ तो मैं भी किसी को आज़ादी दूँ, तो उसने बर्ड को आज़ाद किया, ठीक है, इसी के साथ ये टेक्स्ट यहीं पर समाप्त होता है।